Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqtatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna tiba'a wa arina al-batila batila wa rizukna istinaba. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ameen ya rabbil alameen. मैं इस दुआ के साथ शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारा आना यहाँ पे कबूल फरमाए और जब क़यामत के दिन हमारे अपनी किताबें हमें हाथ में मिलें और हम उसको खोलें तो ये घंटा अल्लाह ताला की इबादत और उसके दीन को सीखने में लिखा हो और हम इस घंटे पे प्राउड फील करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने घंटा कहीं और नहीं गुजारा, रादर अल्लाह ताला के दीन को और उसके नबी की सीरत को और उनके सहाबा की सीरत को देखने के सुनने में गुजार दिया, क्योंकि असल तो वैल्यू इन लम्हात की क़यामत के दिन पता चलेगी कि जब इंसान भूखा होगा बाप से मांगेगा एक नेकी, बाप नहीं देगा, माँ से मांगेगा, माँ कहेगी कि निकल जा, दूर हो जा मुझसे, बल्कि लोग तो कहेंगे कि या अल्लाह मेरे माँ बाप को, मेरे ख़ानदान को, सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे आज बचा ले। यौम यफ़िरुल मरु मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फ्यूचर बता रहे हैं। देखिए, हमारे लिए तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सेंटेंसेज हैं ना, अल्लाह के लिए कुछ नहीं है, अल्लाह ताला के लिए टेंसेस कुछ नहीं है, उसके लिए सब सामने है। उसी ने बल्कि ये टेंसेस बनाए, ये ज़माना बनाया है, ये वक्त बनाया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला फ्यूचर ही कुछ खबरें हमें पहले दे देते हैं कि तुम जान लो कि अब ये होने वाला है। और जब यौम यफ़िरुल मरु मिन अखी, इंसान अपने भाई से भाग रहा होगा, वह उम्मी व अभी, अपनी माँ से और अपने बाप से, जिस माँ का उसने दूध पिया, जिससे वो बेहद मोहब्बत करता था, और अपने बाप से जिसके लिए वो लड़ने मरने के लिए तैयार था, वह साहिबती ही, और अपनी बीवी से, और अरबी में साहिबा को गर्लफ्रेंड भी कहते हैं, कि वो गर्लफ्रेंड जिसके लिए वो नमाज़ें छोड़ता था, जिसके लिए जीने मरने के वादे किए हुए थे, जिसको अल्लाह, जिसकी वजह से अल्लाह को भुला दिया था उसने, उससे वो दूर भागेगा कि तेरी वजह से मैं आज खसारे में हूँ, तो निकल जाए यहाँ से, और दूर भागेगा उसे, वह बनी और अपने औलाद से। तो ये जो नेकियाँ ना, बड़ी बड़ी प्रीशियस हैं, इनको जितना ज़्यादा हम अपने लिए संभाल लें ना इस दुनिया की ज़िंदगी में, तो बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं वो लोग जो इस दुनिया में कुछ नेकियां गैदर कर लेते हैं, और बड़ी बेवकूफ़ हैं जो पबजी खेलते खेलते ज़िंदगी गुजार देते हैं, जो फोर्टनाइट खेलते खेलते ज़िंदगी गुजार देते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स हराम, लेकिन एक्सेसिवली उसको बहुत ज़्यादा खेलना एंड वेस्टिंग, यू नो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपसे एक बैंक कहे कि आपका जो है ना 1000 लोगों में या करोड़ लोगों में आपका नाम निकला है, सो वी गिव यू अ चांस इन आर जो ट्रेजर बॉक्स है, हमारा जो लॉकर है, कि आपके पास 10 सेकंड्स में आप जितने पैसे ले सकते हैं, जितना गोल्ड ले सकते हैं, आप ले लें। यू हैव 10 सेकंड्स एंड यू आर द लकी पर्सन जो कि पूरी दुनिया से सेलेक्ट हुए हैं, और वो 10 सेकंड्स कहते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, और आप ऐसे बैठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं और बंद करते हैं, और फिर कहते हैं अच्छा क्या उठाऊँ, फिर आप एक रिंग उठाते हैं और चले जाते हैं। विल पीपल कॉल यू अ स्मार्ट मैन और क्रेजी पर्सन? क्रेजी यार, आपके पास इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती, आप अपनी नस्लें बना लेते 10 सेकंड में, सब कुछ इकट्ठा कर लेते। ये एनालॉजी इतनी अच्छी नहीं है, दुनिया की एनालॉजी इससे कहीं ज़्यादा, कि एक एक लम्हा जो है हमारा वो कितना कीमती है। हदीस में आता है अल्हम्दुलिल्लाह तमलाउल मीज़ान, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीज़ान को भर देता है, जिस मीज़ान में आमाल तोले जाएंगे। तो हम लोग तो नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास वी हैव मच टाइम टू किल ऑन यूट्यूब। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कम से कम जो ये घंटा है हमारा, ये अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस कर ले, और यही हमारी निजात का बायस बना दे। आज का जो टॉपिक है वो फुटस्टेप्स है। वी विल डिस्कस द लव ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी की इम्पॉर्टेंस उम्मत के लिए क्या है, और लव की डिमांड्स क्या हैं, कि येस वी क्लेम टू लव द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मैं आप सब से भी पूछूं कि अल्लाह के नबी से कौन मोहब्बत करते, चले मैं पूछ लेता हूं, अल्लाह के नबी से हम सब में से कौन मोहब्बत करता है, हाथ खड़ा करके बताएं। हम सब करते हैं, किसी शख्स में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं नहीं करता। सहाबा से भी पूछा जाता कि तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हो, कि जी हम करते हैं। लेकिन आज हम इस मोहब्बत को थोड़ा टेस्ट करेंगे, और किसी को जज करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को टेस्ट करने के लिए, कि मेरी मोहब्बत क्या सच्ची है,
क्या वाकयातन मैं अल्लाह के नबी से सही मोहब्बत करता हूँ जिस तरह मुझे एज अ मुस्लिम एज एन उम्मती मुझे करनी चाहिए। तो हम आज लिटमस टेस्ट देखेंगे कि हाउ इज़ द लव ऑफ सहाबा टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड हाउ इज़ आर लव, और हम किस तरह से उसको बेहतर कर सकते हैं। जो अल्लाह के नबी की शान और अज़मत में आज बयान करने नहीं आया, अगर वो की जाए तो कितने दिन लग जाए उसमें, लेकिन सिर्फ अल्लाह के नबी की शान और अज़मत को समझने के लिए एक दो चीज़ें देख लें। अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि अना सैयदु वलदि आदम वला फख्र, कि मैं बनी आदम का सरदार हूँ और इमामत का झंडा क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगा, वला फख्र, लेकिन मैं बूस्ट नहीं करता, लेकिन मैं इस पर फख्र नहीं करता। तो अल्लाह के नबी जितने भी इंसानियत आई आज तक आदम से लेकर आखिरी इंसान तक, उन सब से ज़्यादा जो उन सब में से जो सबसे अफजल इंसान है इन रिगार्ड्स टू हिज़ कैरेक्टर टू हिज़ तकवा टू हिज़ रिलेशन टू अल्लाह सुब्हान व तआला, वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह को अपनी तमाम मखलूक में से जिब्राइल मीकाइल इसराफील इज़राइल तमाम हमलतुल अर्श जिन्होंने अर्श को उठाया हुआ फरिश्तों ने, तमाम समंदरों में तमाम आसमानों के फरिश्तों में हर मखलूक से ज़्यादा पसंदीदा जो शख्स है वो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मखलूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इज़ द मोस्ट बिलव्ड टू अल्लाह सुब्हान व तआला। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मोहब्बत का तकाजा किया, यू नो लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो मोहब्बत जो है ना दीन में मोहब्बत की बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इस मोहब्बत की बेसिस पे ही लोगों को दर्जात दिए जाएंगे जन्नतों के, और मोहब्बत कोई फिज़िकल एक्शन नहीं है, है दिल में लेकिन इसके असरात फिज़िकली नज़र आते हैं। लेकिन हम किसी को देखिए, अभी आपको मैं देखिए नहीं बता सकते किसके दिल में ज़्यादा मोहब्बत है किसके दिल में कम मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं कि जिसके दिल में ज़्यादा मोहब्बत है और जो अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला है वो कामयाब लोग हैं। अल्लाह सुबहान तआला ने बहुत जगह पर फरमाया, बल्कि नबी के हदीस ने बहुत जगह पर, एक सहाबी आला के नबी के पास और कहा कि ये रसूलल्लाह मतसा, उनको ही वॉन्ट्स टू इंट्रीग कि क़्यामत दिन कब आएगा। तो ही सेड रसूलल्लाह मतसा, क़्यामत का दिन कब है? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया कि आपने उसके लिए तैयारी क्या की है? तो उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा नवाफिल ये बहुत कसरत से रोज़े नहीं रखे, लेकिन आई लव द प्रॉफिट एंड हिज़ मैसेंजर, मैं आपसे और अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अलमरु मा मन अहब्बहु, कि एक शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अब सहाबा बैठ के सुन रहे हैं, जब उन्होंने ये सुना ना कि अल्लाह के नबी ने कह दिया कि तुम लोग उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो, तो अनस बिन मालिक कहते हैं कि वल्लाही इस्लाम के कबूल करने के बाद आज तक हमने कोई ऐसा सेंटेंस नहीं सुना जिसने हमें इतनी खुशी दी हो जितना इस सेंटेंस ने हमें खुशी दी थी। क्योंकि अगर हमारे पास और तो कुछ है नहीं, लेकिन हम अल्लाह के नबी से अबू बकर और उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा से बहुत मोहब्बत करते थे, और सब सहाबा इस स्टेटमेंट बहुत रिलाय करते थे कि हम अल्लाह के नबी से, इस पर कोई डाउट नहीं था उनके दिल में कि हम किसी और से या अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह के नबी के अलावा। सो दिस वॉज द लव फॉर द प्रॉफिट, कि अल्हम्दुलिल्लाह अब शायद निजात हो जाएगी, क़यामत के दिन ऐलान किया जाएगा ऐनिल मुतहाबीन फी जलालिही, कि अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं, कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। युज़िल्लुहुमुल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन अल्लाह ताला उनको साया देगा और जिस दिन उसके साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। सुबहान अल्लाह, ये आप देखें तो मोहब्बत कुरान में हदीस में क्या आता है कि सब आतुन, सात कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब करेंगे, युज़िल्लुहुमुल्लाह जिनको अल्लाह ताला साया नसीब करेंगे, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु जिस दिन कोई और साया नहीं होगा, और उनमें से एक कौन है, रजुलानि तहाबा फिल्लाह, तहाबा इज़ फ्रॉम मोहब्बा, तहाबा फिल्लाह, जो दो लोग आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, इज्तमा अलैहि व तफरक अलैहि, वो अल्लाह के लिए मिलते थे और अल्लाह के लिए अलग होते थे।
वो आपस में मिलते सिर्फ इसलिए थे कि हमें अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे मोहब्बत है, एंड दे यूज़ टू मीट एंड देन दे यूज़ टू डिपार्ट. रजुलान तहाबा फिल्ला इज्तमा अलैहि व तफरका अलैहि. सुभान अल्लाह. तो ये जो मोहब्बत का एलिमेंट है ना, बहुत इमेंस है इस्लाम में. तो हम आज इस टॉपिक की बात करेंगे कि व्हाई द लव ऑफ प्रॉफिट. कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, तुम सब अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो? जी करते हैं. अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो. ये अल्लाह के नबी कह रहे हैं कुरान के ज़रिए कि इफ़ यू क्लेम टू लव अल्लाह सुब्हान व तआला देन फॉलो मी, बिकॉज लव इज़ ओबीडियंस. ये याद रखें, लव इज़ ओबीडियंस. आपके वालिद साहब आपको कहते हैं कि बेटा गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, धूप बहुत तेज़ है, गाड़ी पार कर दो. आप कहते हैं वालिद साहब खुदा की कसम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं अभी फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं थका हुआ हूँ. आपकी वालदा साहब आपको कहती हैं कि बेटा मुझे पानी पिला दो, गर्मी है, प्यास लग रही है मुझे, मैं किचन में खड़ी हूँ. आप कहते हैं आई लव यू मॉम, आई लव यू लाइक क्रेजी, आपसे तो मुझे किसी से मोहब्बत नहीं है, लेकिन अभी ना मेरा दिल नहीं चाह रहा पानी पिलाने का. मुझे अब ये बताएं कि प्यार सच्चा है या झूठा है? दो नंबर प्यार है ये. हम तो कहते हैं आशिक रसूल हैं और आपके लिए जान भी कुर्बान है और लब्बाई क्या रसूल अल्लाह सके नारे कितने मारते हैं हम लोग, लेकिन जब बात आती है अमल की कि हैया अला सलाह हैया अल फलाह और नमाज की तरफ, तो हम कहते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है. जब आवाज़ आती है हैया अला सलाह, हम कहते हैं नहीं, मैं अभी इस टाइम गेम खेल रहा हूँ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है, इसको छोड़ के मैं नहीं आ सकता. यस आई लव यू, लेकिन ये मैं नहीं कर सकता. क्या हमारा क्लेम सच्चा है या झूठा है, और क्या इस क्लेम की वैल्यू है क्या मत के दिन या नहीं है? अल्लाह ताला हमें ओबीडियंस भी बढ़ा दे, बिकॉज हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो करते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं, लेकिन ट्रू लव इज़ ओबीडियंस. असल मोहब्बत है कि इंसान उसकी इताअत करे, उसकी बात को माने, ना कि सिर्फ यू नो टॉक इज़ चीप, दे से टॉक इज़ चीप. तो एक्शंस स्पीक मोर देन वर्ड्स, लाउड देन वर्ड्स. तो दिस इज़ व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. अल्लाह के नबी सल्लम जब मदीना आए तो सहाबा बड़े खुश हो गए, बड़े कि हमारे शहर में अल्लाह के नबी दाखिल हो रहे हैं, और दरख्तों पर चढ़ चढ़ के मेंबर उस पर खजूर के दरख्तों पर चढ़ के तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा पढ़ने शुरू हो गए कि हम पे चांद उभर आया इस वादी से, ठीक है, और हम किस तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करें, ठीक है, और अशार कहने शुरू हो गए. तो एवरी सहाबी वॉन्टेड द प्रॉफिट टू बी इन हिज हाउस कि हमारे तो काम बन जाएगा अगर अल्लाह के नबी हमारी तरफ आ जाते हैं तो. नाउ व्हाट हैपेंड, अल्लाह के नबी अपनी ऊँटी को छोड़ दिया, तो ऊँटनी के बारे में कहा कि ये अल्लाह ताला की तरफ से गाइडेड है, ये जहाँ बैठी मैं उसे घर जाऊँगा. अब जैसे ही अबू अय्यूब अल अंसारी घर के बाहर बैठी, अल्लाह के नबी का सामान उठाया उन्होंने और अपने घर ले गए. तो जैसे सामान घर ले गए तो सहाबा ने कहा रसूल अल्लाह प्लीज़ हमारे घर हैं, हमारे घर हैं. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, तो ही सेड कि अ मैन इज़ विद हिज लगेज, तो मेरा तो सामान वहाँ चला गया. तो अब अल्लाह के नबी अबू अय्यूब अल अंसारी घर आ गए. तो अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड कि अल्लाह के नबी मेरे घर आ गए. तो उन्होंने कहा कि मैं, उनके दो पोर्शन थे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ, कौन सा पोर्शन दूँ जिस जहाँ पर अल्लाह के नबी ज़्यादा कम्फर्टेबल फील करें. तो उन्होंने कहा ग्राउंड फ्लोर मैं उनको देता हूँ ताकि उनको बार बार जब घर में आएँ तो ऊपर ना जाना पड़े और स्टेयर्स ना क्लाइम करने पड़े, वापस ना आना पड़े. तो ग्राउंड फ्लोर दिया, ऊपर खुद शिफ्ट हो गए. अब जब ऊपर शिफ्ट हुए तो सुभान अल्लाह हुआ क्या उनके साथ कि वो बिल्कुल कोने में रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए. ही कुडंट मूव इन हिज हाउस कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं कहीं कदम रखूं और वहां अल्लाह के नबी नीचे बैठे हों, मेरा कहीं कदम अल्लाह के नबी के सर मुबारक के ऊपर ना आ जाए. ही कुडंट मूव फ्रॉम हिज प्लेस और वो पूरा पूरा दिन कोनों में गुजार दे रहे थे. एंड हिज लाइफ बिकेम रिस्ट्रिक्टेड. सुभानअल्लाह, सी द अदब ऑफ सहाबा कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी कहीं बैठे हों, कहीं से गुजर रहे हों और मैं उनके एग्जैक्टली ऊपर आ जाऊँ. तो वो अल्लाह के नबी के पास आया और कहा या रसूल अल्लाह
मेरे साथ ये मामला पेश आ रहा है, तो आई कांट लिव, आप मुझे बताओ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम ऊबर शिफ्ट कर दो, दैट वुड बी मच ईजियर फॉर मी, और तुम्हारे लिए भी आसानी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है रसूल, तो उनको ऊबर शिफ्ट कर दिया। तो जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो खाना ले जाते और उनके ऊपर ख़ुद सर्व करते खाना, तो जब उनकी बेगम खाने का बर्तन लेके आती तो पूछते कि बताओ अल्लाह के नबी ने कहाँ से खाया, तो वो उसी जगह को पकड़ के वहीं से खाना शुरू कर देते। सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत देखें। और एक दफ़ा अल्लाह के नबी के खाने में गार्लिक भी भेजा तो उन्होंने वो नहीं खाया, तो परेशान होकर बुखला के शौक के साथ अल्लाह के नबी के पास चले गए कि रसूलल्लाह क्या मैंने कुछ हराम सर्व कर दिया, मैंने कुछ गलत कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये सिर्फ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इसे मुँह से बू आती है और मैंने फरिश्तों से कलाम करना होता है, उनसे मैंने बात करनी होती है। यू नो सुभान, सीधा अदब ऑफ प्रॉफिट कि कितना रिस्पेक्ट का लेवल है। आजकल हम मुसलमान, उनका नाम आए तो हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते, उनका जिक्र हो तो हमारे रवैये नहीं बदलता, हालांकि सहाबा का प्यार मोहब्बत हम इमेजिन नहीं कर सकते। इसी तरह से अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब इन पे मुश्किल वक्त आया काफ़ी साल बाद, जब अल्लाह के नबी की डेथ हो चुकी थी, वो दुनिया से चले गए थे, तशरीफ़ ले गए थे, तो हुआ ये कि बड़े मुश्किल हालात आए, लॉस हुआ बिजनेस में एंड ही वाज बैंकक्रप्ट। तो उन्होंने वहाँ गए, उस टाइम जो हेड था उस एरिया का, उससे मदद चाही। तो उसने कहा कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि जब तुम पे हार्डशिप आए, मुश्किल औकात है, तो सब्र करना। तो रिजेक्ट कर दिया और मदद नहीं की। तो अबू अय्यूब अंसारी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए इन इजिप्ट, और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनके पास आए तो उन्होंने कहा कि अबू आप भाई के तशरीफ़ लाए। तो उन्होंने कहा मुझे हालात ने स्ट्रक किया, आई एम सफरिंग थ्रू हार्ड टाइम्स। तो उन्होंने उसी तरह से अपना घर खाली किया जिस तरह अबू अय्यूब अंसारी ने अल्लाह के नबी के लिए घर खाली किया था, और उनको वही रिस्पेक्ट दी और कहा कि आज मैं आपके साथ वही करना चाहता हूँ जो आपने उस ज़माने में अल्लाह के नबी के साथ किया था। बिकॉज यू लव द वन हु लव्स द बिलवड, जो आपके महबूब से मोहब्बत करता है, जो आपके महबूब से मोहब्बत करता है, आप उससे मोहब्बत करने शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने उस तरह से उनको ट्रीट किया, और इब्न अब्बास वाज़ अ रिच मैन, और उनको बहुत ज़्यादा माल और गिफ्ट दिए। बिकॉज वी लव द वन हु लव्स द बिलवड। लैला मजनू के बारे में एक किस्सा आता है कि मजनू जो है ना, एक कुत्ते को बहुत प्यार किया करता था, बहुत ज़्यादा उसको खाना देता, उसको प्यार करता। तो किसी ने पूछा तो तुम इस कुत्ते से, ये तो पागल कुत्ता है और लुगड़ है, तुम इससे क्यों मोहब्बत करते हो? तो कहता है कि मैंने एक दफ़ा देखा था कि ये लैला की गली से गुजरा था और उसने इसके ऊपर हाथ रखा था, दैट्स द रीज़न आई लव दिस डॉग। तो यू लव द थिंग विच द बिलवड लव्स। हमारा प्यार देखें कि दीन के बारे में और अहकामात के बारे में कैसा है, हमारी मोहब्बत कैसी है, क्या हमारा वही रवैया है जो सहाबा का था या नहीं, क्या हम जिन चीज़ों से अल्लाह के नबी मोहब्बत करते थे उनसे मोहब्बत करते हैं। रसूलल्लाह कहते थे कि जो इलत कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, कि हमारी आँखों की ठंडक भी है या हमारे लिए बर्डन है। जब भी परेशान होते तो कहते या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ए बिलाल तुम हमें तसल्ली पहुँचाओ नमाज के ज़रिए, अजान दो और हम नमाज पढ़ें। हम जब परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, सोशल मीडिया की तरफ चले गए, शॉपिंग की तरफ चले गए, खाना खाने चले गए, मैकडॉनल्ड्स चले गए, हैप्पी मील ऑर्डर कर लिया, बिकॉज देर इज़ अ रीज़न वाई इट्स कॉल्ड अ हैप्पी मील, इट माइट मेक अस हैप्पी, लेकिन वी ट्राई एनी थिंग ऑन एंड एवरी थिंग एक्सेप्ट जो अल्लाह के नबी ने ट्राई किया और कहा। इसी तरह से अल्लाह सुब्हान व तआला भी जब जिससे मोहब्बत करते हैं ना, तो सिर्फ ख़ुद मोहब्बत नहीं करते, रादर
हदीस में आता है वनादा जिब्रील, जिब्रील को बुलाते हैं और कहते हैं कि ए जिब्रील मैं फलाँ बिन फलाँ से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इसे मोहब्बत करो। तो जिब्रील सलाम भी समेना मोहताना कहते हैं और उस बंदे से मोहब्बत करने शुरू हो जाते हैं। और फिर आसमान में मुनादी करते हैं, अनाउंसमेंट्स करते हैं कि अल्लाह जल्ला वाला लव्स दिस पर्सन, आई जिब्रील लव हिम, सो लव हिम एज़ वेल। तो तमाम आसमान के फरिश्ते इस बंदे से मोहब्बत करने शुरू हो जाते हैं और यही मोहब्बत दुनिया में लोगों के दिलों में ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन जो अल्लाह सुब्हान तआला किसी बंदे से नफ़रत करते हैं ना, तो बुलाते हैं जिब्रील को, क्या जिब्रील मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ। अल्लाह ताला कभी हमारे इन लोगों में नाम ना शामिल करें। तो जिब्रील सलाम भी इस बंदे से शदीद मोहब्बत नफ़रत करने शुरू हो जाते हैं और आसमान दुनिया में और तमाम आसमानों में अनाउंसमेंट्स करते हैं कि अल्लाह हेट्स दिस पर्सन, मी जिब्रील हेट्स दिस पर्सन, तो हेट दिस पर्सन। सो एवरी ड्वेलर ऑफ द हेवन द एंजल्स दे हेट दिस पर्सन। और दुनिया में भी ऐसे लोगों के दिलों में वो लोग नफ़रत डाल देते हैं। तो ये लव और हेट्रेड का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की हर चीज़ मोहब्बत करती है। आपको पता है इस बात का, दुनिया की हर चीज़ रियलाइज़ करती है, उसको पता है कि रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह थे, एक्सेप्ट द ह्यूमंस एंड द जिन्स। हर चीज़ को आपको पता है हदीस में क्या आता है कि द उहुद, हदीस में आता है लेकिन फरमाया कि द उहुद लव्स अस एंड वी लव उहुद। और जब अल्लाह के नबी उहुद पे चढ़े, साथ अबू बकर थे और उमर थे और उस्मान भी थे, तो उहुद खुशी से शेक करना शुरू हो गया। तो अल्लाह के नबी ने उस पर अपना दुर्रा, उस पर अपना असा मारा और कहा उसको दिया उहुद, उसको दिया उहुद, रुक जा, फ़इन्ना अलैका अन्नबी व सिद्दीक व शहीदान, कि तुम्हारे ऊपर एक नबी है, एक सच्चा, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। तो द उहुद लव्स द प्रॉफिट एंड एवरी क्रिएचर दे नो दैट ही इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको पता है उस ट्रंक के बारे में जो अल्लाह के नबी की मस्जिद में था, जब अल्लाह के नबी अपना मेंबर थोड़ा दूर शिफ्ट किया और उस पर टेक लगाया करते थे, तो इट स्टार्टेड टू क्राई एंड मोन, और उससे आवाज़ आनी शुरू हो गई रोने की। तो अल्लाह के नबी पास गए और उस पर हाथ रखा। एक कैमल था जो बहुत ज़्यादा बिलक रहा था, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा था, तो अल्लाह के नबी उसके पास गए तो उसने कुछ कहा, तो अल्लाह के नबी इसे मालिक को बुलाओ और कहा कि इस कैमल ने मुझसे शिकायत की है तुम्हारे बारे में, तुम इस पर ज़्यादा बोझ डालते हो, तुम इस पर ज़्यादा काम लेते हो। वो चिड़िया जो परेशान थी, जिसके बच्चों को सहाबा ने उठा लिया था आउट ऑफ लव, तो उसने शिकायत की अल्लाह के नबी से। तो एवरी क्रिएचर रियलाइजेज द मकाम ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक्सेप्ट वी ह्यूमंस। हम लोग इतने गिर चुके हैं और कम तर हो चुके हैं, हालांकि हम अशरफुल मखलूकात और हम उनके उम्मती हैं, वी डोंट रियलाइज हिज मकाम कि ये रसूल सल्लम है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा अल्लाह के नबी के पास आए और कहा कि या रसूल अल्लाह आई लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं अपने नफ्स के बाद सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह ही वॉज दे वर ट्रू, हमारे साथ तो झूठे तो नहीं थे कि रसूल अल्लाह सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और जब अजान नमाज की बारी आए तो हम सोए रहते हैं, या जब कुर्बानी की बारी आए तो हमसे आँख ही नहीं झुकती, या जब सदका देने की बारी आए तो हमसे हम देखते हैं वो कौन सा कैश है सबसे टूटा हुआ कैश पड़ा या सिक्के पड़े में वो देते हैं। हालांकि सहाबा देवर ऑपोजिट, वो देखते थे कि सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी मेरे पास, वो देते। जब आयात नाज़िल हुई ना कि आप नेकी को तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप वो चीज़ स्पेंड करें जो आपके दिल के करीब है, जो आपसे महबूब है। तो एक सहाबी जिनके जिनका बड़ा कमाल का बाग था मदीना के मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने, फौरन से कहा कि या रसूलल्लाह वो बाग आपके लिए, सोचा ही नहीं। ही गिव ऑल हिज प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे। इमेजिन आपके कमर्शियल प्लाजाज हैं F6 में जिनके अंदर KFC भी खुला हुआ है, क्या खुला हुआ, आपकी इनकम आती है वहाँ से।
आप एक आयत सुन के वो सब डोनेट कर दें, कितना बड़ा ईमान का लेवल चाहिए। तो उन साहबी ने सब कुछ दे दिया। तो उमर बिन खत्ताब, ही वाज ट्रू, उन्होंने कहा रसूल अल्लाह मुझे आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, एक्सेप्ट माई ओन सेल्फ, मैं अपने नफ्स से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसके बाद आपसे करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ला या उमर, अभी नहीं। और फिर हदीस बताई, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैही मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम तब तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम मुझसे अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से और तमाम इंसानों से ज़्यादा ना मोहब्बत करने शुरू हो जाओ। और एक और रवायत में आता है कि अपने माल से, अपने नफ्स से और हर चीज़ से। तो उमर बिन खत्ताब, ही थॉट फॉर अ वाइल एंड ही सेड कि रसूलल्लाह, अब मैं आपसे अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि जहाँ मेरी जान में जान भी कुर्बान करनी पड़े ना, मैं वहाँ कुर्बान कर दूँगा आपके लिए। और उन्होंने कहा कि अल आना या उमर, अब तो मोमिन बने उमर, लेट्स आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम आर सेल्फ्स कि ये जो हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन, क्या वाकईतन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने आप से ज़्यादा, हमें अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से ज़्यादा महबूब है, तमाम माल से ज़्यादा? अगर महबूब होते तो हम पे सूद की जॉब तो ना करते, अगर महबूब होते तो हम झूठ बोल के तो ना पैसे कमाते, अगर महबूब होते तो हम अपने सेल्फ को प्लीज़ करने के लिए अल्लाह के नबी को तो नाराज़ ना करते। उमर बिन खत्ताब कहा करते थे कि हासिबू अनफुसकुम क़बल अन तुहासबू, अपना हिसाब ले लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। और अपना हिसाब क्या करना है हमने आज इस दुनिया में लेना है कि यार वाकई में एम आई लाइंग टू माई सेल्फ या एम आई ट्रू टू माई सेल्फ, क्या मैं वाकई में सच्चा मोमिन हूँ, क्या वाकई में जब क़यामत के दिन मैं जाऊँगा मुझे अल्लाह के नबी की शफ़ात मिलेगी, क्या वाकई मैं फितरों से बच रहा हूँ और मैं ऐसे अमाल कर रहा हूँ जिससे अल्लाह के नबी मुझे देख के कहेंगे वेल डन और तुम मेरी शफ़ात के काबिल हो, या मैं ऐसे अमाल कर रहा हूँ जो कि अल्लाह के नबी को उनसे नफरत है और अल्लाह के नबी मुझे देखे मुँह फेर लेंगे। क्योंकि अगर क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने मुझे देखे मुँह फेर लिया तो मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ लुट गया। और इसी मोमेंट के लिए सहाबा ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी कि जब क़यामत के दिन आए और हम अल्लाह के नबी के साथ खड़े हों। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन, अब उनका प्यार देखे सुभान अल्लाह। मुआज़ बिन जबल भी अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे और अल्लाह के नबी मुआज़ से बहुत मोहब्बत करते थे और कहते थे कि एक दफ़ा कहा कि या मुआज़ इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, ऐ मुआज़ मुझे अल्लाह के लिए तुमसे मोहब्बत है। इमेजिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स को ये कह रहे हो और करीब बिठा के हाथ पकड़ के बोला और फिर कहा कि हर नमाज के बाद ये दुआ लाजमी पढ़ना, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका, यानी मेरी मदद फरमा कि मैं तेरा जिक्र, तेरा शुक्र और तेरी इबादत बेहतरीन तरीके से कर सकूँ। ये दुआ सिखाई और मुआज़ बिन जबल उसके बाद उन्होंने कभी ये दुआ नहीं छोड़ी। सो द लव ऑफ मुआज़ एंड रसूलुल्लाह वॉज वेरी स्पेशल। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजा टू गिव दावा टू पीपल, और चूँकि मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी तो उनके उनके कैमल को ना, उनकी सवारी को पकड़ के मदीना के आउटस्कर्ट्स तक पहुँचे जहाँ मदीना एंड होता था। वहाँ आप आज भी एक राउंड अबाउट है और वहाँ पे लिखा हुआ है बाबुल मदीना, जहाँ पे मदीना का गेट है। तो वहाँ पहुँचे और मुख्तलिफ नसीहतें की, तुमने किस तरह दावत देनी है, और फिर उनको भेजने से पहले ये कहा कि या मुआज़ असा अल्लाह तलकानी बाद आमी हादा, कि हो सकता है कि इस साल के बाद हमारी कभी मुलाकात ना हो और तुम वापस मदीना तो आओ, तुम मेरी मस्जिद तो पाओ और मेरा मेंबर तो देखो और लेकिन मेरी कब्र देखो और मुझे ना पा सको। नाउ जस्ट इमेजिन, जिस शख्स के लिए सब कुछ थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपना जीना मरना अल्लाह के नबी के लिए कुर्बान कर देते हैं,
ऐसे शख्स को पता चले कि शायद ये मैं अल्लाह के नबी को आखिरी दफ़ा ज़िंदगी में देख रहा हूँ, उसके बाद कभी नहीं देख पाऊँगा, उसके पर क्या गुजरेगी। तो मुआज़ बिन जबल ही सारे टुकराए कि रसूलल्लाह, क्या मैं आपको आखिरी दफ़ा देख रहा हूँ ज़िंदगी में। लेकिन स्टिल उनकी मोहब्बत ने उन्हें क्या सिखाया था, अतात समेना व अतवाना। ये नहीं कहा कि खल्लास या रसूलल्लाह, ठीक है बस आज के बाद मैं आपके पास रहता हूँ, अभी खिदमत करता हूँ ताकि मैं आपके साथ रह सकूँ। नहीं, आपके हुक्म में मैं जाऊँगा ज़रूर यमन। एंड ही वेंट टू यमन एंड ही क्राइड ऑल द वे कि मैंने अल्लाह के नबी को अपनी ज़िंदगी में आखिरी दफ़ा देखा है और आज के बाद मैं रसूलों को कभी नहीं देख पाऊँगा। एंड व्हेन ही केम बैक टू मदीना ही सॉ हिज मेंबर, ही सॉ हिज मस्जिद एंड ही सॉ हिज ग्रेव, लेकिन स्टिल दे फॉलोड व्हाट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव टू देम। इसी तरह से आपको यू नो सुभानअल्लाह सहाबा की मोहब्बत, लेट्स टेक अ ग्लिम्स ऑफ इट। जब अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मक्का आए ना हज उमरा करने के लिए, उनके साथ कुर्बानी के जानवर भी थे, तो कुफार ने मक्का ने मना कर दिया कि नहीं आप नहीं आ सकते। तो उन्होंने उस्मान बिन अफ़ान को भेजा नेगोशिएशन के लिए। तो मुख्तलिफ डेलीगेशन मक्का से आ रही थी के मना करने के लिए। तो उरवा बिन मसूद, ये बहुत बड़ा लीडर था ताइफ का, उरवा बिन मसूद एंड ही वाज अ स्मार्ट मैन, तो उसने कहा कि रुको मैं जाता हूँ मोहम्मद के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए थे। तो जब गए, जाने से पहले क्या कह रहे थे कि मैं इनसे बातें करूँगा और इनको जो ना वापस भेज दूँगा, और ये क्या कर सकते हैं, ये सब जो मोहम्मद के साथ हैं ना लोग, ये सब भाग के चले जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। और जब अल्लाह के नबी के पास आया तो उस टाइम काफिर थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना दाढ़ी को हाथ लगाने की कोशिश की और बात करते हुए ना, तो उरवा बिन मसूद का नेफ्यू वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका हाथ नीचे किया और कहा कि इसके बाद अगर तुम्हारा हाथ बढ़ा ना इनकी दाढ़ी की तरफ, मैं तुम्हारा हाथ काट दूँगा। और उरवा बिन मसूद ने डायलॉग के दरमियान जब नमाज का वक्त आया तो अल्लाह के नबी ने वज़ू किया और वो सारे हालात देखे। तो जब वापस पलटे ना अपनी कौम की तरफ, तो उनको बुलाया और कहा कि बिकॉज ही वॉज ए लीडर, कहा कि आई हैव बीन टू द पैलेस ऑफ कैसर एंड आई हैव बीन टू द पैलेस ऑफ सीजर ऑफ रोम एंड आई हैव बीन टू द पैलेस ऑफ हबशा एबसीनिया का जो वो नजाशी था। कहते मैं इनके महलात में गया हूँ, क्योंकि ये प्रिविलेज हर इंसान को हासिल नहीं था, क्योंकि ही वॉज़ अ लीडर, तो उनकी मुलाकातें ट्रेडिंग के लिए और ही वॉज़ अ रिच मैन, तो होते थे मुख्तलिफ प्रिंस के साथ। तो ये इन्होंने किसरा को भी देखा, कैसर को भी देखा और नजाशी से भी मिले थे। कहते हैं कि लेकिन कोई भी ग्रुप अपने आका से, अपने अमीर से इस तरह मोहब्बत नहीं करता जिस तरह अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। कहते हैं मैंने कोई लोग ऐसे नहीं देखे। और कहते हैं जब वो वज़ू करते थे तो उनके पानी का कतरा भी ज़मीन पे नहीं गिरता था और वो नीचे आपस में लड़ते थे उस पानी को हासिल करने के लिए और अपने जिस्म पे मलने के लिए और बरकत हासिल करने के लिए। और कहते हैं वो हुक्म तो क्या देते, बल्कि सर उठाते तो तमाम के तमाम दौड़ के सामने आते हैं उनके हकों को पूरा करने के लिए। और कहते हैं कि दे वुड प्रेफर देयर रसूल ओवर देयर बॉडीज ईच एंड एवरी डे, दे वुड प्रेफर टू हार्म देमसेल्व्स देन सी द प्रॉफिट इन द स्लाइटेस्ट ऑफ पेन। और कहते हैं कि वो मर्द तो मर्द, उनकी औरतें भी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे लेकिन रसूल को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करेंगे। तो भूल जाओ तो कि तुम ऐसे नेशन को कभी, ऐसी कौम को कभी हरा सकते हो। और फिर क्या कहा कि वो लोग तलवारें लेके तो नहीं आए, राजर उम्रे की नीयत से आए हैं और अल्लाह के घर की तआज़ीम के लिए आए, उनको आने दो। पहले कितना सख्त था और फिर जब सहाबा का एटीट्यूड देखा तो अब ईमान नहीं लाया, इस्लाम अभी नहीं लाया था लेकिन सहाबा पे ईमान ले आया कि ये सहाबा का जो मोहब्बत है ना लेकिन मी से, अब ये कौन कह रहा है सुभान अल्लाह,
ये काफिर कह रहा है, ये एक काफिर जो इस्लाम से शदीद नफरत करता है वो ये कह रहा है कि जो असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोहब्बत और रिस्पेक्ट थी ना, मैंने आज तक किसी कौम में नहीं देखी। मैंने बड़े बड़े बादशाह देखे हैं, बड़े बड़े मोहल्ला देखे हैं, जो पूरी दुनिया पे रूल करते हैं, पूरी इलाकों पे रूल करते हैं, उनके लोगों ने आज तक इस तरह कभी मोहब्बत नहीं की जिस तरह असहाबे मोहम्मद मोहब्बत करते हैं उनके साथ। और कहते हैं कि उनका रिस्पेक्ट का आलम क्या था कि वो सब अल्लाह के नबी के सामने गर्दनें झुका के बैठे होते थे और कोई भी उनके चेहरे की तरफ घूर नहीं रहा होता था। आप हदीस, द फेमस हदीस अमर बिन आस, अमर बिन आस वो सहाबी हैं जो फतह मक्का से पहले, ही वाज द लास्ट सहाबी जो कि फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल करके आए थे। और अमर बिन आस कहते हैं कि मेरे दिल में सबसे जो चीज़ महबूब थी ना मुझे, वो ये थी कि मैं अल्लाह के नबी को देखता रहूँ। लेकिन कहते हैं अगर तुम मुझसे पूछो कि अल्लाह के नबी देखने में कैसे थे, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जब भी दिल में ख्वाहिश आती कि मैं अल्लाह के नबी को देखूं तो उनका जलाल और वक़ार हावी आ जाता और हम अपनी नज़रें नीचे कर लेते। वी कुड सी द प्रॉफिट सल्लम आंखें भर के, कभी उनको देख ही नहीं सके हम उनकी उनके इज्जत और रिस्पेक्ट की वजह से। तो कहते हैं कि जब भी हम अल्लाह के नबी को देखना चाहते, टू फीलिंग्स कन्फ्लिक्टेड इन आर हार्ट्स, वन इज लव टू सी द प्रॉफिट एंड द सेकेंड इज His respect and his वक़ार, कि वी कुडंट सी हिम प्रॉपरली, हमारे में हिम्मत नहीं होती कि हम उनको आंखें भर के देख सकें, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्ट में कि आप आंखें उठा के किसी शख्स मुंह पे देख सकें। तो साहब अपनी गर्दनें झुका के सर बैठे होते अल्लाह के नबी के सामने, ये उनका प्यार मोहब्बत थी और वो अपने हर चीज़ कुर्बान करने तैयार थे। सर दो वाक़यात देख लें, एक वाक़या है रबिया बिन काब अल असलमी, ये पता है कौन है, आप में से कौन कौन मस्जिद नबी गया हुआ है, आप लोग गए हुए हैं मस्जिद नबी में जहाँ पे रोज़ा रसूल है, जो आयशा का हुजरा था और तमाम हुजरे थे, उसके पीछे एक थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है, वो असहाब सोफ़ा की जगह है। वो जगह मस्जिद नबी के अंदर शामिल थी और वहाँ पे अल्लाह के नबी ने असहाब सोफ़ा को डेडिकेट किया हुआ था और असहाब सोफ़ा ने अपना सब कुछ दीन के लिए डेडिकेट किया हुआ था और देवर वेरी पुअर पीपल। हम कहते हैं ना यार आजकल बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं, हमारा क्या मतलब होता है कि हम लोग यार अपनी करोला या मर्सिडीज़ ड्राइव नहीं कर रहे, रादर अपने वाले साहब की सुजुकी एफएक्स या हम उनकी मेहरान चला रहे हैं, हमारे हालात मुश्किल ही होते हैं। लिटरली असहाबो सुफ़ा के हालात मुश्किल क्या थे कि उनके पास कपड़ा नहीं होता था कि अपना सतर ढांक सकें, उनके पास अपना पेट भरने के लिए खाने को एक लुकमा नहीं होता था। ये थे असहाबो सुफ़ा, उनमें से एक थे रबिया बिन काब अल असलमी जो कि यंग थे, नौजवान थे, बड़ी उम्र नहीं थी इनकी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए कभी कभी चुपके चुपके उठते घर से, रुवाइदन लाइक क्रॉल करके अपने टोज पे चल के और वजू करते और मस्जिद नबी में आके नमाज़ पढ़ते। तो रबिया बिन काब अल असलमी चूँकि मस्जिद नबी में ही होते थे असहाब सुफ़ा, तो उनको उन्होंने देखा कि अल्लाह के नबी आते हैं। बिकॉज ऑफ लव फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रात को उठते और अल्लाह के नबी के लिए वज़ू का पानी जो था वो एक बॉल में तैयार करके रखते थे। तो एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को उठे और वज़ू करने के लिए देखे तो रबिया बिन काब वेट कर रहे थे कि अल्लाह के नबी आएंगे और बॉल पेश करेंगे। अच्छा सुभान अल्लाह, इमेजिन करें वहाँ उस टाइम अलार्म क्लॉक्स नहीं थी, किस चीज़ ने सहाबा को रात को उठाया? लव फॉर द प्रॉफिट वोक दम अप, उनका ईमान उनको उठाता था। और हमारे अलार्म क्लॉक्स आज बजती रह जाती हैं और हम उठते नहीं हैं। तो उन्होंने जब अल्लाह के नबी को वो बॉल प्रेजेंट किया तो अल्लाह के नबी बड़े खुश हुए एंड इन हिज हार्ट्स ऑफ हार्ट्स ही फेल्ट सॉरी फॉर रबिया बिन काब अल असलमी। क्या सुभान अल्लाह, ये मैं अपने अल्फाज बयान, इस शख्स के पास अपने आप को खिलाने के पैसे नहीं हैं और अपना सदर कवर करने के पैसे नहीं हैं, लेकिन इस बंदे की डेडिकेशन और मोहब्बत देखो कि रात को उठ के मुझे ये सर्व कर। हम अगर एक रोटी ना मिले ना दीन की खिदमत करने में, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं और हम एक दिन भूखे रहें, हम कहते हैं कि कैसा दीन है ये, मौलवी कैसे हैं, इन्होंने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, ना पैसा दिया ना कुछ किया, छोड़ो भाड़ में गया दीन, अल्लाह माफ़ करे। और ये लोग कैसे डेडिकेटेड थे, इनका दुनिया मकसद ही नहीं था, इनकी चाहती कि बस आखिरत मिल जाए और अल्लाह के नबी के साथ मिल जाए।
तो अल्लाह के नबी खुश हो गए, कहा कि रबिया तुमने आज जो मांगने मांगो, तुमने आज जो मांगने मांगो। और खुदा की कसम अगर अल्लाह के नबी हाथ उठा के ये दुआ करते ना कि अल्लाह आसमान से सोना बरसा दे, तो अल्लाह ताला बरसा देते। अल्लाह ताला अपने नबी की दुआ रद्द नहीं करते थे। तो अब रबिया बिन काब अलैहिस्सलाम के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यू नो, जस्ट इमेजिन, एक ब्लैंक चेक दे दिया कि तुम जो मांगो आज, तुम्हें जो चीज़ चाहिए तुम्हें मांगो, तुम्हें अदा की जाएगी। तो अल्लाह रबिया बिन काब थोड़ी देर खामोश रहा और बड़ी अमेजिंग चीज़ मांगी। अब उनके पास खाने पीने को क्या है, कुछ घर भी नहीं है, ना बीवी ना कुछ। अब चाचा तो कहते हैं रसूलल्लाह मुझे एक पैलेस दे दें जिसमें माल ही भरा हुआ। चाचा तो कहते हैं रसूलल्लाह मुझे उसमें बेहतरीन बीवी दे दें, उसमें हर मतलब मुझे बादशाह बना दें। लेकिन कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे आपका पड़ोस का सवाल करता हूँ जन्नत में, मुझे आपका साथ चाहिए जन्नत में। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी ने कहा रबिया मुझसे कुछ और मांगो। तूने रसूलल्लाह दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए जन्नत में। सुभान अल्लाह, जस्ट इमेजिन देयर विजन। अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि ए रबिया बिन काब तुमने बहुत बड़ी चीज़ मांगी है मुझसे, नाउ हेल्प मी इन अटेनिंग दिस विजन विद कसरत सुजूद, कसरत से सजदे करो और मेरी मदद करो इस दुआ के कबूल होने में। एक सहाबी हैं थौबान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो अल्लाह के नबी के पास है और कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और जब मैं आपके पास होता हूँ तो बस दिल खुश होता है और दिल बाग बाग होता है, जब घर जाता हूँ तो आई फील ज़ीक अल क़ल्ब, आई फील माई हार्ट इज़ क्लोजिंग एंड टाइटनेस इन माई हार्ट कि मैं आपको देखूँ, मैं फ़ौरन से हर चीज़ छोड़ के आपको आके देखता हूँ, मेरा दिल सकून में आ जाता है। और फिर मैं जाता हूँ घर, जब भी मैं डिप्रेस फील करता हूँ या जब भी मैं आपसे दूर होता हूँ मेरा दिल चलता है मैं आपको देखूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, मैं आपको देखता हूँ मैं ठीक फील करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़े परेशान कर रही है, वो ये कि आपने भी इस दुनिया से जाना है, मैंने भी इस दुनिया से जाना है, आप जन्नत के आला तरीन मकाम में होंगे, मकाम महमूद में होंगे, और मैं अगर जन्नत में दाखिल हुआ तो मैं पता नहीं कहाँ पे होऊंगा। तो वो जन्नत कैसी जन्नत जब मैं आपको ना देख सकूँ, वो जन्नत जन्नत ही क्या जब मैं जब आपका साथ नसीब ना हो सके, तो मैं क्या करूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यू विल बी विद दोज हुम यू लव, अल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात फाउलाइका मअल्लज़ीन मअन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए वो लोग किन के साथ होंगे, मअन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी टाइम ये आयात लेकिन नाज़िल अल्लाह के नबी पे, कि इनको बता दें कि जो लोग अल्लाह से नबी मोहब्बत करते हैं और अमल करते हैं ना, वो लोग प्रॉफिट के साथ होंगे, परेशान ना हो। हमारा कॉन्सेप्ट जन्नत के बारे में बहुत डिफरेंट है कि वहाँ पे नहरें होंगी, बागात होंगे, ये होगा, हूरे होंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन सहाबा का जो कॉन्सेप्ट था ना जन्नत के बारे में, इट वेरी डिफरेंट। इट वॉज कि अल्लाह के नबी के साथ होगा और अल्लाह के नबी के साथ इटर्निटी हमेशा हम गुजारेंगे। जस्ट इमेजिन, सुभान अल्लाह। इसीलिए वो हमेशा दुआ करते हैं रसूलल्लाह हम क्या करें कि हमें आपका साथ मिल जाए, ये रसूलल्लाह हमें आपका साथ चाहिए। अली बिन अबी तालिब से पूछा गया कि हाउ वॉज यू लव फॉर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ्टर द प्रॉफिट डाइड, तो अली बिन अबी तालिब ने कहा कि हमारा अल्लाह के नबी से प्यार अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से ज़्यादा था, और शदीद गर्म दिन में इंसान की प्यासे इंसान की मोहब्बत होती है ना ठंडे पानी के लिए, उससे भी ज़्यादा हमारा अल्लाह के नबी से मोहब्बत थी। आप कभी सऊदी अरब में जाएं और गर्मी देखें वहाँ की और सारा दिन प्यासे रहें और चलते रहें, पीपल डाई टू हैव अ सिप ऑफ कोल्ड ड्रिंक। लेकिन उनने कहा कि हमारा जो प्यार मोहब्बत अल्लाह के नबी के लिए थी ना,
وہ ایک شدید تپتے ہوئے دن میں جو انسان کی محبت ٹھنڈے پانے کے لیے ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تھی. زید بن تازیرہ رضی اللہ عنہ, یہ نئے مسلم ہوئے, ان کو پکڑ لیا گیا, کفار نے پکڑ لیا اور لا کے عذاب دے رہے تھے, اور ابو سفیان بڑے جوش میں آیا اور کہا کہ تم چاہتے ہو کہ محمد, کیونکہ وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, تو کہا کہ محمد تمہاری جگہ پہ ہوتا. تو زید بن تازیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نے کہا کہ میں اپنی 100 جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں رادر دین تھنکنگ کہ اللہ کے نبی کو ایک آنٹا بھی چبھ جائے. اور ابو سفیان نے بھی سینٹینس کہے کہ میں نے محمد سے محبت کرنے والے ان جیسے آج تک نہیں دیکھے. دس واز اے لو فار پروفیٹ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیا ان کے واقعات ہیں سبحان اللہ. جب ہجرت کی موقع آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ٹائم پہ آئے جب ان یوزل ٹائم تھا, آئے اور کہا کہ ابو بکر مجھے اجازت مل گئی ہجرت کی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے شروع ہو کر کہنے صحبہ یا رسول اللہ, صحبہ یا رسول اللہ, کہ آپ ایک کمپینین شپ, آپ کا ساتھ چاہیے. تو انہوں نے کہا صحبہ یا ابا بکر, کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے. اور جب اللہ کے نبی یہ کہا نا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے تو وہ رونے شروع ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے تب اندازہ ہوا کہ کوئی شخص خوشی کی وجہ سے روتا بھی ہے, آنسو بہاتے خوشی کی وجہ سے. احد کے موقع پہ طلحہ بن عبیداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نحری دون نحرک, یا رسول اللہ میری گردن بجائے کہ آپ ہی گردن. اور طلحہ بن عبیداللہ ہی واز اے شیلڈ ٹو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی کوئی تیر آتا ہے تلوار چلتی وہ اپنا ہاتھ اور اپنا جسم آگے کر دیتے کہ اللہ کے نبی کو نہ لگے بلکہ مجھے میرے جسم پہ لگے اور اللہ کے نبی کو نہ لگے. انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لڑ رہے تھے تو یہ افواہ پھیلی احد میں کہ اللہ کے نبی ہیز ڈائڈ, تو صحابہ بڑے مایوس ہو گئے اور بالکل دل ہار گئے کہ ہمارا بس ختم, اللہ کے نبی چلے گئے. اور صحابہ اپنی سورڈز اور شیلڈ میں ڈال کے بیٹھ گئے. عمر بن خطاب بھی بیٹھ گئے, حالانکہ عمر خطاب واز اے بریو مین. تو انس بن نظر جب گزرے تو انہوں نے کہا اے عمر وائی یو سٹنگ, کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نبی ہیز ڈائڈ, ہیز پاسڈ اوے. تو انہوں نے کہا فما تريد بالحیات بعده یا عمر, اللہ کے نبی کے جانے کے بعد تمہیں زندگی سے کیا چاہیے عمر, چلو اٹھو لڑو اور ہم بھی شہید ہو جائیں. کیونکہ دیر لائف واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اذان دینے شروع, اشہد ان محمد رسول اللہ, اور یہ وہ ٹائم تھا اذان کا جب اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے, تو جب اس سینٹینس سے پہنچے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ہی کڈنٹ اسپیک, ہز تھروٹ چوک اینڈ ہی فیلڈ انکانشیس. پھر اٹھے, پھر ٹرائی کی, پھر گر گئے. 3 دن تک یہ ٹرائی کرتے تھے, ہی کڈنٹ گیو دا اذان. دوسرے صحابے اذان کمپلیٹ کرتے تھے. اینڈ ہی لیفٹ مدینہ, بلال رضی اللہ عنہ ٹو ڈمسکس اور جہاد, اور ریکویسٹ کی ابو بکر صدیق کو مجھے جہاد ہی بھیجیں, آئی کی ناٹ لیو ان مدینہ, کیونکہ ہر گلی ہر جگہ مجھے میرے محبوب کی یاد دلاتی ہے. ہی کڈنٹ لیو ان مدینہ, ہی لیفٹ. اور جب ڈمسکس جہاد پہ چلے گئے لڑتے رہے تو اللہ کے نبی خواب میں آئے اور کہا کہ وائی سچ ڈرائنس یا بلال, اتنی دوری کیوں ہے بلال, ہمیں تو ملنے کیوں نہیں آتے. تو بلال رضی اللہ عنہ اسی ٹائم اٹھے اور اپنے گھوڑے کو لات ماری اور دوڑاتے دوڑاتے مدینہ آئے اور قبر پہ لیٹ گئے. اللہ کے نبی قبر کو حق کر کے لیٹ گئے کہ رسول اللہ ایم ہیئر ٹو میٹ یو. اور امام حسن اور حسین نے دیکھا بلال آ گئے ہیں تو ریکویسٹ کی کہ اے بلال آپ اذان دیں, تو اب اللہ کے نبی کے نواز سے ان کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو اٹھے اور چھت پہ چڑھے تو جب آج یہ اذان کی آواز دینا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو حدیث میں آتا ہے دی مدینہ ایرپٹیڈ وتھ پیپل, لوگ اپنے گھروں سے بھاگتے ہوئے باہر نکل آئے اور ان کو اللہ کے نبی کا دور یاد آ گیا کہ شاید اللہ کے نبی ابھی آ جائے اور نماز لیڈ کروائیں, کیونکہ بلال کی اذان سے اللہ کے نبی کے ساتھ یادیں تازہ تھیں ان کی. یہ 20 سال بعد بھی ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت تازہ تھی اور جاگ رہی تھی. ہمیں تو 2-3 گھنٹے سب بھلا دیتے ہیں.
तो मदीना से लोग रोते हुए हर चीज़ छोड़ के बाहर आ गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद आ जाए और नमाज लीड कराए. एंड ही कुडंट कंप्लीट द अजान आफ्टर सीइंग कि प्रॉफिट नहीं आ रहा. और पता है क्या, जब मस्जिद अक्सा फतह की गई, उमर बिन खत्ताब ही लेफ्ट मदीना टुवर्ड्स मस्जिद अक्सा, तो तमाम सहाबा इकट्ठे थे वहाँ पे, अबू बकर जर्राह, तलहा बिन उबैदुल्लाह, उमर बिन खत्ताब, अब्दुर्रहमान बिन औफ, तमाम बड़े बड़े सहाबा, और इस्लाम फैल चुका है और मस्जिद अक्सा फतह हो गई, डोमेस्कस फतह हो गया और इकट्ठे हैं. तो उमर बिन खत्ताब को सहाबा ने कहा कि आप बिलाल को बोलें कि अजान दें, मस्जिद अक्सा की जो अजान है बिलाल देंगे. तो जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए खड़े हुए तो सारे सहाबा दे स्टार्ट क्राइंग कि इस्लाम कितना फैल चुका है लेकिन अल्लाह के नबी हमारे साथ नहीं है. और उनकी दाढ़ियाँ भर गई इससे. एंड ही सेड अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, एंड सहाबा वर वीपिंग इन द लव ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, उनकी बीवी ना बड़ी मायूस और उदास, एंड शी सेड वाह हुज़ना, व्हाट अ ग्रीफ, व्हाट अ सैड डे इट इज़ कि मेरा शोहर इस दुनिया से जा रहा है. बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि ला तकुल वाह हुज़ना बल तकुल वाह फरहा, ये मत कहो कि कितना आज उदास दिन है बल्कि कहो कि आज कितना खुशी का दिन है क्योंकि मैं रसूलुल्लाह से और सहाबा से मिलने जा रहा हूँ आज. ऑन हिज डेथ बेड, मौत का खौफ नहीं, इस दुनिया से जा रहा हूँ कोई खौफ नहीं कि बस दुनिया ख़त्म हो रही है अब मैं, मेरी मौत आ गई है, नहीं, ये खुशी है कि मैं अल्लाह के नबी के साथ मिलने जा रहा हूँ. एक शख्स था जो कि कहता था कि अगर मैं अल्लाह के नबी के दौर में होता तो मैं ये करता और वो करता. तो उसने ख्वाब देखा एक कि काश मैं अल्लाह के नबी के दौर में होता. आज भी बहुत सारी लोग कहते हैं कि हम अगर उस दौर में होते तो हम क्या करते और सहाबा ने क्या किया, हम जो करते तो वो सोचने वाली चीज़ थी. तो उस शख्स ने ख्वाब देखा कि वो अल्लाह के नबी, क्योंकि वो रीसेंट टाइम की बात, उसने ख्वाब देखा कि वो अल्लाह के नबी के साथ है और सहाबा भी साथ हैं और वो उस टाइम में है और वो गाड़ी चला रहा है और अप हिल क्लाइंब करके किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं वो लोग. तो गाड़ी की अचानक से क्या होता है, ब्रेक्स फेल होती हैं और इंजन फेल हो जाता है और गाड़ी क्या होती है, पीछे जाना शुरू कर देती है. तो परेशान हो कि अल्लाह के नबी साथ बैठे कुछ हो ना जाए उन्हें, वो फ़ौरन से गाड़ी से उतरता है और ढूंढता है कि पत्थर कहाँ पे हैं और मैं फ़ौरन से गाड़ी को रोकूँ. जब वो भागता भागता जाता है और पत्थर ढूंढ के लेके आता और गाड़ी पीछे जा रही होती है तो वो देखता है कि सहाबा ने पत्थर की तलाश नहीं की, रादर सहाबा अपने सर टायर के नीचे रख के लेटे हुए थे. तो जब वो उठा तो उसको एहसास हो गया कि वाकईतन सहाबा की मोहब्बत को हम कभी पहुंच नहीं सकते, हम कभी वो काम कर ही नहीं सकते जो सहाबा ने किया था. अच्छा, अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि हाउ टू सी द प्रॉफिट इन ड्रीम. मैं आपको एक इसका वाकया बताता हूँ. एक शेख थे, उनसे एक बंदे ने पूछा कि मैं अल्लाह के नबी को देखना चाहता हूँ, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं. तो उन शेख ने कहा कि आज रात तो मेरे पास गुजारो, खाना मेरे साथ खाना और रात मेरे साथ गुजारो. तो जब शेख ने खाना सर्व किया उस बंदे को तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया और उसे कमरे में पानी भी नहीं रखा. तो जब उसने खाना खाया तो उसको शदीद प्यास लगी, तो रात को जब कमरे गया तो कमरे में क्या पानी भी नहीं था तो वो सो गया खैर अल्टीमेटली. और जब सुबह उठा तो शेख ने पूछा कि तुमने रात और ख्वाब में क्या देखा. कहते शेख माजरत है, खाना बहुत नमकीन था और नमक बहुत ज़्यादा था तो मैं बस बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई और प्यास की हालत में नींद आई और जब मैं सोया तो देखा कि मैं बस पानी के जग पे जग पी रहा हूँ और मैं पानी के मतलब दरिया में कूद रहा हूँ और पानी पीता जा रहा हूँ क्योंकि प्यास की शिद्दत की वजह से. तो शेख ने कहा कि जिस चीज़ की मोहब्बत और शिद्दत तुम्हारे दिल में होगी ना तुम उस चीज़ को ख्वाब में देखोगे. अपने दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत की शिद्दत पैदा कर लो, उनसे मुलाकात की शिद्दत पैदा कर लो, इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू हो जाओ, तुम्हें किसी वजीफ़ा की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अल्लाह के नबी ख्वाब में आ जाएंगे. तुम बस अल्लाह के नबी की मोहब्बत,
की शिद्दत अपने दिल में पैदा कर लो। तो मैं भी इस चीज़ पे ख़त्म करता हूँ कि हम लोग बिना, अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को या आप इस दुनिया में देखें या आखिरत में उनके साथ जाके मिलें, तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी सीरत को पढ़ें, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी उस तरह ज़िंदगी गुजारें, जिस तरह उनका होलिया था उस तरह अपना होलिया बना लें, जिस तरह वो चलते थे, जिस तरह वो रहते थे, जिस तरह उनका अखलाक था, जिस तरह उनकी अल्लाह से मोहब्बत थी, उसको अचीव करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ताला उनसे हौज़े कौसर में मुलाकात होगी। लेकिन अगर हमने क्लेम तो बड़े बड़े किए, दावे किए, लेकिन कुर्बानी ज़रा सी भी नहीं दी, फिर तो बड़ा मुश्किल है। एंड द अरब से ब्यूटीफुल थिंग, ही सेड अहज़ानु क़ल्बि ला तज़ूल हत्ता उबशिर बिल कबूल व अरा किताबी बिल यमीन व तक़र आईनी बिर रसूल, कि मेरे दिल की परेशानियाँ तब तक चलती रहेंगी और ख़त्म नहीं होंगी जब तक मुझे कबूलियत ना नसीब हो जाए अल्लाह की तरफ से, मेरी किताब मेरे दाएँ हाथ में और मेरी आँखें रसूल पे ना पड़ जाएँ जब तक मैं रसूल को ना देख लूँ। तो अल्लाह ताला हमें भी ऐसा मुसलमान बनाए कि हम तब तक एफर्ट और स्ट्रगल करते रहें जब तक हम अल्लाह के नबी से मुलाकात ना कर लें, हम दीन को इस तरह लेके चलें और दीन अपनी लाइफ को इस तरह चेंज करें और दीन की ऐसी खिदमत करें कि जब अल्लाह के नबी से हौज़े कौसर में मुलाकात हो तो वो कहें कि वेल डन, जॉब वेल डन, कि तुमने मेरे दीन की खिदमत की, कमाल की, और वो देख के खुश हों। तो अल्लाह ताला हम सब को अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत नसीब करें और इस दुनिया की फितनों से बचा ले और इस दीन को जो नबी करीम छोड़ के गए और सहाबा छोड़ के गए और मेहनत करके गए उस पर, उसको अपनाने की तौफीक दे और सच्चा नेक दीनदार शख्स बनाए। और जो भी मुश्किलात हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, लेट इट बी मनी, लेट इट बी गर्ल्स, लेट इट बी एनीथिंग एल्स जो कि हमें दीन में आने से रोकती हैं, उनको हमें पार करने की तौफीक दे और हमें अच्छा नेक सच्चा मुसलमान बनाए और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी का साथ नसीब फरमाए और जन्नतों में उनका पड़ोस नसीब फरमाए और हमेशा हमेशा की जन्नतें उनके साथ रहने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व हमदिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।